follow traffic rules, don't overspeed, wear a seatbelt, wear a mask. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आपके साथ में हूं अमित तिवारी। कांग्रेस नेता ने कर दी बड़ी मांग। जी हां, विधान परिषद में लगी तस्वीर पर कर दी ये मांग। कांग्रेस के नेता हैं दीपक सिंह उत्तर प्रदेश में। इन्होंने विधान परिषद के सभापति को लिख दिया खत और कह दिया कि सावरकर की जो तस्वीर लगी है उसको हटवा दीजिए वहां से। इनका कहना क्या है इस पत्र में, दरअसल आपको बता दूं कई तरह के बड़े दावे किए गए हैं। दीपक सिंह का कहना यह है कि सावरकर की तस्वीर लगना मुख्य द्वार पर यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। इस पत्र में दीपक सिंह ये भी दावा करते हुए लिखते हैं कि सावरकर जो हैं जेल गए थे और जेल जाने के बाद उन्होंने माफी मांगी थी। माफी ही नहीं मांगी थी, ये भी कहा था कि वो भारत में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से हट जाएंगे। अंग्रेजों का साथ देते हुए वो नजर आए थे, ये बात दीपक सिंह लिखते हैं अपने खत में। साथ ही साथ इसके साथ बड़ा दावा कर रहे हैं खत में, ये भी कह रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी उसके खिलाफ भी जो है जानकारी अंग्रेजों को वीर सावरकर ने दी थी। तो वीर सावरकर को लेकर अब ये मसला जो है सियासत में तेजी से आया है उत्तर प्रदेश में। और दीपक सिंह ने सीधे कह दिया कि अगर तस्वीर लगानी है तो बीजेपी वाले अपने कार्यालय में, संसदीय दल का जो कार्यालय है वहां तस्वीर लगा लें सावरकर की। तो सावरकर की तस्वीर को लेकर कांग्रेस नेता की ये बड़ी मांग सामने आई है। इस बड़ी मांग के पीछे कांग्रेस का भी एजेंडा समझिए आप। कांग्रेस पहले भी सावरकर के नाम पर विरोध करती रही है, बयान भी आए, बाद में माफी भी आई। कांग्रेस के बड़े नेता या यूं कहूं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भी सावरकर को लेकर दिया गया बयान आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, ये मंच से कहा था। दिग्विजय सिंह भी कई बार सावरकर को लेकर निशाना साधते रहे हैं। लेकिन दीपक सिंह ये जो नेता हैं यूपी के, इन्होंने सीधी मांग कर दी है तस्वीर को लेकर। उन्होंने कहा कि अपमान कर रहे हैं सरकार के लोग कि स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों की लाठियां खाई, यातनाएं सही और उसके बाद भी आज़ादी के लिए लड़ते रहे, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में सावरकर की तस्वीर लगाना ये गलत है, ये अपमान है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी के करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे आहत हो रही हैं, इसलिए विधान परिषद के सभापति से उन्होंने ये अपील की है खत के जरिए कि जो सावरकर की तस्वीर है उसको वहां नहीं लगा जाए जो गैलरी के मुख्य द्वार पर लगी हुई है। अब स्थिति यह है कि सियासत के पीछे कांग्रेस जो है, क्योंकि कांग्रेस का मैंने जैसे भी कहा विरोध करती रही है, सावरकर के नाम पर कांग्रेस के बड़े चेहरे भी बयान दे चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनके पत्र का क्या जवाब मिलता है। आप देखते रहिए यूपी तक।